साहिबगंज जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महादेवगंज मुस्लिम टोला में बीते शुक्रवार की शाम को गोढ़ी टोला के तीन किशोर बाढ़ के पानी में स्नान करने के दौरान लापता हो गए थे। वहीं आसपास के ग्रामीणों ने अंधेरे में काफी देर तक खोजबीन की, लेकिन कोई अतापता नहीं चल पाया। वहीं शनिवार को भी अहले सुबह से ही तीनों लापता किशोरों की खोजबीन की प्रक्रिया जारी थी। एनडीआरएफ की टीम समय से नहीं पहुंचने को लेकर ग्रामीणों ने NH-80 मुख्य पथ को बांस बल्ला और टायर जलाकर जाम कर दिया। वहीं काफी मशक्कत के बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से एक किशोर का शव को खोजबीन कर बाहर निकाला गया। वहीं अन्य दो किशोरों की खोजबीन जारी है। मृत अवस्था में निकाले गए किशोर की पहचान महादेवगंज गोढ़ी टोला के निवासी दिलीप पासवान के पुत्र कृष पासवान के रूप में की गई है। वहीं परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। बता दें कि एक किशोर के शव मिलने की सूचना के उपरांत ही NH-80 सड़क पर करीब 3 घंटे से चल रहे जाम को समाप्त कराया गया। बता दें कि साहेबगंज जिलावासी कई अरसे से जिले में NDRF टीम की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक शासन और प्रशासन इसकी सूद तक नहीं ले रहे हैं, जिससे कि यहां के जिलावासियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं अंचलाधिकारी अब्दुल समद ने बताया कि बीते शुक्रवार की शाम से ही लापता किशोर को खोजबीन की प्रक्रिया जारी थी। बताया कि NDRF की टीम को सूचना दे दी गई है, जल्द ही देवघर से NDRF की टीम साहिबगंज पहुंचेगी। CEO ने बताया कि साहिबगंज जिले में आए बाढ़ की पानी से काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने एक किशोर को बाहर निकाला है। वहीं दो और लापता किशोरों की खोजबीन जारी है। कहा कि मृत अवस्था में निकाले गए किशोर के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। डूबे हैं बाढ़ के पानी में, तो क्या कुछ किया जा रहा है उनके इसके लिए? रात से ही हम लोग, जैसा आपने कल भी देखा था, रात से ही लगे हुए हैं और स्वयं उपायुक्त महोदय लगातार इसकी जानकारी ले रहे हैं और NDRF की टीम को भी उन्होंने ये किया है। अभी ग्रामीणों की मदद से एक बच्चे का डेड बॉडी मिला है और प्रशासनिक अमला पूरी तरह से तत्पर है इसकी, और NDRF की टीम भी बस पहुँचने ही वाली है, 1 से 1.5 घंटे में पहुँचेगी। धन्यवाद। ज्ञात हो कि इन दिनों साहिबगंज जिले में गंगा नदी काफी उफान पर है। जिले के सभी क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। अटल भारत न्यूज परिवार की टीम सभी जिलेवासियों से निवेदन करती है कि बाढ़ के पानी में बेवजह न जाएं और उससे दूर रहें, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी न हो। साथ ही जिला प्रशासन से भी आग्रह करती है कि जिले में आई बाढ़ की समस्या को देखें और बाढ़ पीड़ितों को उचित राहत सामग्री के साथ साथ मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। अल्लाह 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 अल्लाह